है, और मैंने चिकन और प्याज जो था मीडियम साइज़ का उसको भी अंदर मिक्स कर दिया मैंने, और साथ में मैं पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको गर्म होने के लिए रख दूंगी ताकि वो अच्छा सा गर्म हो जाए। मैं इसको फुल फ्लेम में गर्म करूंगी और साथ में मैंने कोरिएंडर भी रख लिया और चीज़ भी रख लिया, ये मैं ऊपर स्प्रेड करूंगी ऑमलेट को पहले अच्छे से स्प्रेड करके पैन में, तो ऊपर मैं इसके कोरिएंडर और चीज़ डालूंगी। जो ऑयल मैंने डाल दिया और ऑयल के साथ ही मैं अब ऑयल जब हीट अप हो जाएगा, फुल ऑन हीट पकड़ लेगा, गर्म हो जाएगा, तो फिर मैं इसके ऊपर डालूंगी ऑमलेट जो मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। तो जी जैसे आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट मैंने सारा स्प्रेड कर दिया, ऊपर चीज़ भी डाल दी है और जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो इसके ऊपर अब मैं कोरिएंडर डालूंगी। और इसका लॉजिक ये है कि ये चीज़ फिर अच्छे से मज़े से बनेगी, इसको आप अंदर मिक्स करेंगे तो वो बहुत स्प्रेड से चिपकना शुरू हो जाएगी, ऊपर रखेंगे तो ऊपर फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा और साथ से टेस्ट बहुत अच्छा आपके मुंह में आएगा। और कोरिएंडर का भी टेस्ट अगर आप ऊपर से स्प्रेड करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आएगा ऑमलेट में बनिस्बत इसको अगर आप अंदर बीटअप करेंगे। तो इसी तरह मैंने इसको फुल फ्लेम में फिलहाल मैं इसको बना रही हूँ, और अब मैं 2 से 3 मिनट के बाद इसका जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर दूंगी और इसको मैं ब्राउन होने दूंगी, एक साइड को मैं ब्राउन होने दूंगी, देन मैं टर्न आउट करूंगी दूसरी साइड। और मैंने ऊपर इसके थोड़े से ब्लैक पेपर स्प्रेड कर दी है, वो मैंने अंदर मिक्स नहीं की थी, ये तीनों चीज़ें कोरिएंडर और चीज़ और ब्लैक पेपर मैंने ऊपर बाद में स्प्रेड की है, और एक साइड ऑलमोस्ट डन हो गई है, मैंने साइड टर्न आउट कर लिया और दूसरी साइड 1 से 2 मिनट के बाद ही अल्हम्दुलिल्लाह चिकन एंड चीज़ ऑमलेट जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये बहुत मज़े का और बहुत हेल्दी है, और समटाइम्स दिल करता हैवी ब्रेकफास्ट करने को तो ये बेस्ट ऑप्शन है। सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये डिफरेंट स्टाइल का ऑमलेट कैसा लगा, जो कि बहुत हेल्दी है और बहुत मज़े का होता है, इसमें एक्स्ट्रा स्पाइस डालने की ज़रूरत नहीं होती चीज़ का, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ और चिकन का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है और अब मैं इसको उतार लूँगी और मैं करूँगी इसको सर्व। तो जी मैंने तो आज अपना ये वाला अपना रखा था ब्रेकफास्ट, सो हो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये डिफरेंट स्टाइल का ऑमलेट कैसा लगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई अच्छी रेसिपी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त और अल्लाह हामी और नासिर, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ शुरू कीजिएगा, और बताइएगा आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और सजेशन भी मुझे दीजिए आप लोग क्या देखना चाहते हैं न्यू रेसिपीज़, कौन सा टेस्ट आप लोगों को ज़्यादा पसंद है, पाकिस्तान का टेस्ट ज़्यादा पसंद है बनिस्बत यूरोप के, या यूरोप का टेस्ट आपको कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही हैं कौन सी नहीं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हामी और नासिर, अल्लाह हाफिज़।